रखेगा, उसके बाद फिर क्लास वर्क। ये तीन चीज आपके साथ रहना, पेंसिल और पेन। रफ्फुक में जब भी लिखे तो पेंसिल से लिखिए, ठीक है। चलिए, क्या मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊं? आप लोग तैयार हो गए? आज हम लोग पार्ट तीन पढ़ने वाले हैं, वृंद के दोहे। पार्ट तीन में क्या है? वृंद के दोहे। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे पाठ की तरफ। पेज नंबर 13, पृष्ठ संख्या 13, पृष्ठ संख्या 13 निकालिए। चलिए, अब इसमें दिया गया है कि वृंद मध्यकालीन युग के सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। उन्हें प्रथम श्रेणी में लोग गिनते थे क्योंकि वो बहुत ही अच्छे कवि थे। उनका पूरा नाम वृंदावन था, लेकिन उन्होंने जब कविताएं और कहानियां लिखना शुरू किए तो उन्होंने अपने आप को वृंद के नाम से पुकारा और उन्होंने वृंदावन को छोटा कर दिया। वृंदावन नाम बड़ा था, उसको उन्होंने छोटा करके वृंद के नाम से उन्हें लोग जानते हैं। उनका प्रभाव जनमानस पर उतना ही है जितना किसी मंच के कवि का श्रोताओं पर पड़ता है। किसी मंच पर, स्टेज, मंच यानी स्टेज, वहां अगर कोई कवि कविता करता है तो श्रोता, श्रोता कौन हुआ? सुनने वाला। श्रोता कौन है? सुनने वाला। सभी दोहे प्रचलित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोहे
गलत कीजिए, अच्छा कीजिए, तो लोग वही दोहा बोल करके आपको या तो प्रोत्साहित करते हैं या फिर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप गलत काम करते हो तो उनका दोहा इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। नीचा क्या दिखाएंगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया ही जाता है कि आप इससे कुछ सीख लो, ऐसा इंसान ना बनो। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता नहीं है। जो कुछ कहा गया वह हृदय स्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। कहते हैं इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता, मतलब वो बहुत कठिन नहीं है, वो इतना सरल है कि कोई भी उसे आसानी से समझ सकता है। आगे जब मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि यह कविता, ये इसमें जो दोहे हैं वो सारे वृंद के द्वारा लिखा गया दोहा है और उन्होंने इस दोहे के जरिए हम लोगों को क्या सीख दी। प्रस्तावना प्रसंग में दिया गया है, बुरे लगत सिक्के वचन ये विचारो आप, बुरे लगत सिक्के वचन ये विचारो आप, करवे बेसज बिन पिए मिटे न तन को ताप। अगर कोई आपको कुछ बोलता है उसमें आपको बुरा लगता है, अच्छी बात सच्ची बात बोलता है तो आपको बुरा लगता है, कहते करवे बेसज बिन पिए मिटे न तन को ताप, उस समय आप कितना अगर आपको गुस्सा आ जाता है उस समय आपको अच्छाई बुराई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। भूमिका इसमें दिया गया, आधुनिक समाज में तेजी से हो रहे नैतिक मूल्यों की चुनौती से निपटने के लिए वृंद के दोहों की विशेष उपयोगिता है। कहते हैं आधुनिक समाज में जो तेजी से नैतिक मूल्य का ह्रास हो रहा है, यानी नैतिक मूल्य मॉरल वैल्यू लोग भूलते जा रहे हैं, हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि उसका वो चुनौती है और हम लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसको हम लोग छोड़ देते हैं। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ दोहे प्रस्तुत हैं, आइए इन्हें पढ़ें, इनकी उपयोगिता को समझें और इनकी नीतियों को अपनाएं, साथ ही साथ साहित्यिक रसास्वादन करें। कहते हैं कि इनके दोहे के जरिए हम लोग उसकी उपयोगिता को समझें, वो नैतिक मूल्य क्या है, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, वो जब आप आगे पढ़िएगा कविता में तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, इस तरह से हमें क्यों रहना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया, चलिए अब हम लोग कविता की ओर बढ़ते हैं। यानी कि युद्ध के समय
श्रृंगार अच्छा नहीं लगता है। श्रृंगार यानी मेकअप जो आप लोग करते हैं उसे श्रृंगार बोलते हैं। श्रृंगार यानी मेकअप। नीकी पैर फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहाग। नीकी पैर फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर, जैसे वर्णत युद्ध में, युद्ध यानी लड़ाई, युद्ध युद्ध बोलते हैं, यहाँ पे युद्ध लिखा हुआ है, युद्ध यानी युद्ध लड़ाई। दूसरा है, आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताती हूँ। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहाग। बिना अवसर के अगर कोई बात कही जाती है तो वो सही नहीं होता है, हमें वो फीका फीका लगता है, उस जगह पे वो बात जो है वो बहुत ही फीका फीका लगता है, इसलिए हमें उस समय कोई अवसर देख के ही कोई बात करनी चाहिए। जिस तरह से युद्ध के समय श्रृंगार नहीं सुहाता है, वैसे ही बिना अवसर के कोई बात नहीं कहनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, चलिए अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। प्राण कुसातुर के रहे थोड़े हु जलपान मिले। प्राण कुसातुर के रहे थोड़े हु जलपान। अब थोड़े से पानी के लिए प्राण जाने के है, मनुष्य मरने पर है, हो सकता है अगर उसके गले के अंदर, उसके पेट में अगर दो घूंट पानी नहीं गया तो वो मर जाएगा। प्राण कुसातुर के रहे थोड़े को जलपान। कुसातुर जलपान यानी जल को पीना। जलपान यानी जल को पीना, पानी को पीना। पीछे जलवर सहस घट डारे मिलकना। प्राण कहते हैं कि बाद में तुम बहुत 100 घड़ा पानी भर के उसके मुंह में डाल दो, क्या वो इंसान जिंदा होगा? थोड़े से पानी के लिए वो इंसान मर गया। बाद में उसके मरने के बाद आप 100 घड़ा पानी उसके मुंह में डालो, क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कहा जाता है कि जब जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी समय वो चीज देनी चाहिए, फिर बाद में कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पर पानी का उदाहरण दिया गया है। प्राण तुसातुर के रहे थोड़े हु जलपान, पीछे जलभर सहस घट डाढ़ी मिलत ना। प्राण कितना भी डाल दो तो उसका प्राण जो है वो वापस नहीं आएगा, वो जिंदा नहीं हो सकता है। सहस घट, घट मतलब क्या होता है? घड़ा। घट यानी घड़ा। घट यानी घड़ा। बाद में आप कितना भी उन्हें पानी दो वो जिंदा नहीं हो सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, रहे समीप बड़े को होत बड़ो हित मेल, सब ही जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। कहते हैं रही समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल। अगर आप बड़े लोगों के संग रहते, बड़े लोगों के संग मतलब क्या? जो आपसे बड़े उम्र में उनके साथ नहीं, बड़े का मतलब क्या हुआ? जिनकी बातें अच्छी होती है उनके साथ अगर आप रहते हो तो उनके जैसा कुछ ना कुछ हमारे अंदर गुण आ ही जाता है। अच्छे लोगों के संगति में अगर आप रहते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई अपने आप हमारे अंदर भी आ जाती है। अब आप कहिएगा कैसे उसकी अच्छाई हमारे अंदर आएगी? वो इस तरह से करने से अच्छाई आती है। वो अगर हम काम करते हैं तो अब उस मेरे साथ जो रह रहा वो अच्छा काम करता है तो स्वाभाविक है मुझे भी अच्छा काम करने की आदत हो जाएगा। देखो वो तो हमेशा अच्छा काम कर,
और नकल करके अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है। अगर आप बुरे लोगों के संग में रहोगे, उसकी बुराई आप करो ना करो अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। क्यों? मान लीजिए कि वो दो बच्चे को मारा, आपके साथ जो बच्चा है वो दूसरे बच्चे को मारा, एक दिन आपने देखा, दूसरे दिन देखा, वो बच्चा फिर पलट के जवाब नहीं दिया, तो फिर आपको कैसा लगेगा? चलो वो मारा तो कुछ नहीं बोला ना, मैं भी आज मार लेता, उसकी बुराई आपके अंदर आ गई। वैसे ही जो अच्छे लोगों की संगति में आप रहिएगा तो आप में भी उसकी अच्छाई जरूर आएगी। सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। कहते हैं कि आप कोई भी पेड़ में आप देखते होंगे कि जैसे मनी प्लांट आप लगाते हो, और मनी प्लांट अगर आप किसी पेड़ के साथ लगा दो, छोटा पौधा, मान लीजिए कि आम का पेड़ लगाया, पौधा छोटा सा लगाया, उसी के साथ मनी प्लांट लगा दिए, वो जिस तरह से आम का पौधा पेड़ बनेगा उसी तरह से उसके चारों तरफ मनी प्लांट जो है उससे निपटता हुआ उसके साथ वो बढ़ता चला जाएगा। उसकी अच्छाई इसमें भी है, ये नहीं जो वो वहीं पे खत्म हो गया, नहीं, वो नीचे फैल गया, नहीं, वो उसी में निपटता हुआ ऊपर तक चला जाएगा। रहे समीप बड़े को होत बड़ो हित मेल, सभी जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। अब आप लोग को ये समझ में आया? मम्मी तुरंत निकाल के दे देंगे, अगर नहीं है तो भी वो कोशिश करेंगी आपको दे देंगी।